अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू एज एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें हम इस्लामिक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड को। यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड शेयर्स मार्केट की तरह ही होता है, लेकिन इसको हम लिस्टेड कंपनी में सेल नहीं कर रहे होते। यानी हमारा जो कंपनी का जो पैसा है वो लिस्टेड कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया। लिस्टेड कंपनी तो होती है, लेकिन उसको एज अ शेयर्स के तौर पे वो मार्केट में सेल नहीं करी होती, बल्कि लोगों से फंड इकट्ठा करी होती है, फंड रेज करी होती है, और उस फंड को इन्वेस्ट करती है डिफरेंट एक्टिविटीज में, जैसे कि इक्विटी मार्केट में भी करती है कुछ, कैपिटल इक्विटी मार्केट में करती है कुछ, जो है वो बॉन्ड्स मार्केट में किया जा रहा होता है, कुछ मनी मार्केट में किया जा रहा होता है। मुख्तलिफ जगहों पे क्या हो रही होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है कंपनी की तरफ से। अब उसके अंदर जो है वो आपके होता ये कि मनी इज पूल्ड फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन द सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। यानी होता ये कि पैसे को हम इंडिविजुअल से इन्वेस्टर से हासिल करते हैं, और उसका एक मनी जो है वो एक पूल की फॉर्म, पूल फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन्स के एक पूल में ये कह लें कि जमा हो जाता है, यानी कि सबसे क्या किया जा रहा है, इंडिविजुअल से इन्वेस्टर से हासिल किया जा रहा है, और उसको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के वर से हासिल कर रहे हैं, और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो इन्वेस्टमेंट्स आर मैनेज बाय अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एंड रिसर्चर्स। मुख्तलिफ फंड मैनेजर्स और रिसर्चर्स होते हैं जो कि इसको एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि उसको क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट को अपने अंदाजे से, कि कहाँ पे हमें फ़ायदा होगा कहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। आमतौर पे इक्विटी मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा होता है, तो उसके ज़्यादातर चांसेस जो है वो डिक्रीज होने के होते हैं। यानी इक्विटी मार्केट जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट जो है वो काफ़ी स्लो है। यूनिट प्राइस जो है वो क्या होती है, जिसको हम एनएवी कहते हैं, यानी नेट एसेट वैल्यू, जिसके लिए फार्मूला ये है कि हम क्या करते हैं, एसेट्स में से कंपनी के जो एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एक तरह से कैपिटल बच जाता है, वर्किंग कैपिटल जिसको हम कहते हैं, उसको हम डिवाइड कर दे नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स कि हमने कंपनी ने अगर डिसाइड कर लिया कि भी इतने यूनिट्स जो है वो इशू करेंगे, ठीक है, इतने यूनिट्स सेल करेंगे लोगों को, तो उससे हम डिवाइड कर देते तो हमें नेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू पता चल जाती है। अब इस नेट एसेट वैल्यू के मुताबिक ही एक पोर्टफोलियो बनता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट का, और उसके मुताबिक ही जो है वो ट्रेडिंग की जा रही होती है। तो एनएवी इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द पोर्टफोलियो ऑन ईच ट्रेडिंग डे। म्यूचुअल फंड कैन बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या है, हम इसको आगे और तफसील से पढ़ेंगे। ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड कहते हैं कि ऐसी म्यूचुअल मार्केट के जहाँ पे म्यूचुअल फंड को के यूनिट्स को आप जब मर्जी इन्वेस्टर जब मर्जी बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड के अंदर एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही आप उसको सेल कर सकते हैं, और जो है वो ओपनली उसको सेल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको शेयर्स मार्केट में ही शेयर्स की तरह सेल किया जा रहा होता है। देखिए आपके सामने के मैनेजर, जैसे मैंने बताया कि एक पूल में पैसा आता है, जमा होता है, एग्रीमेंट बनता है, डीड बनती है, यूनिट होल्डर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यूनिट होल्डर कहलाएंगे, वो पैसा जमा करा रहे हैं किसके पास, ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी कौन है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है जहाँ पे पैसा जमा हो रहा है। मैनेजर उसको क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने प्रोफेशनल तरीके से उसको इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब कौन कौन सी है, स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा होता है, नंबर टू बॉन्ड्स या नोट्स, ठीक है, और बैंक डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म पेपर में। इसमें इक्विटी और बॉन्ड्स ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, और बैंक डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म मार्केट के, सॉरी शॉर्ट टर्म मार्केट मीन्स के मनी मार्केट के, यानी मन के मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में ही इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है यूनिट ट्रस्ट की। तो पॉसिबल कैपिटल गेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मोड ऑफ ऑपरेशन इन अ म्यूचुअल फंड क्या क्या होंगे, अट्रैक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है,
कि प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो की जा रही है उसकी एक प्रोफेशनल तरीकेकार से उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड मिनिमाइज रिस्क, यानी हम अपॉर्चुनिटीज हासिल कर रहे हैं इस तरह से कि हम रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी मीन्स कि हम मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। और अफोर्डेबिलिटी है, हम कोई भी इसको बाय कर सकता है, मिनिमम जो है 5,000 से आप उसको बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी है, यानी आप उसको कैश करा सकते हैं जो मर्जी। इन्वेस्टर्स का पैसा ट्रस्टी के पास जाएगा, और सॉरी फंड मैनेजर के पास जाएगा, फंड मैनेजर के जरिए ट्रस्टी के पास जाएगा। फंड मैनेजर उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, शरिया बोर्ड से पहले वो लेने के बाद, एडवाइस लेने के बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा डिफरेंट पूल्स में, जिसमें इस्लामिक इक्विटी मार्केट, इस्लामिक डिपॉजिट जैसे मैंने बताया था, इस्लामिक फंड इनकम और इस्लामिक कमर्शियल पेपर्स। अब ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा ये आपको ब्रीफली बता दूँ। इस्लामिक इक्विटी यानी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर टू इस्लामिक डिपॉजिट, होता यह है कि इस्लामिक बैंक्स को जो डिपॉजिट पैसा जो जा रहा होता है उनको पास जमा होता है, यानी ये कह लें कि ये पैसा जो आया उनके पास, इन्वेस्टर्स का पैसा आया, वो इस्लामिक बैंक्स के पास डिपॉजिट के तौर पर रखवा दिया जाता है ताकि इस्लामिक बैंक उसके ऊपर हमें प्रॉफिट दें और उससे फिर अर्निंग करके हम इन्वेस्टर को दें। इस्लामिक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट यानी सुकूक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा होता है पैसा, और इस्लामिक कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट किया जा रहा होता है। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, ये भी बॉन्ड्स की तरह होते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं। पैसा जो है वो जो आता है वो जो भी प्रॉफिट आता है वो हम जो है वो इन्वेस्टर्स को यानी यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इन सब जराए से जो पैसा तो मुनाफा आता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पूरा, ये पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक म्यूचुअल फंड हो गया। अब अदर स्पेशलाइज फंड क्या है, इस्लामिक प्राइवेट इक्विटी फंड, अदर स्पेशलाइज फंड, इस्लामिक लीजिंग फंड जिसमें जैसे कि अमेरिकन लीजिंग कंपनी हो गई, इस्लामिक मुराबाह कमोडिटी फंड, और इसके अलावा इस्लामिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस सबको हम तफसील से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस्लामिक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब आ जाते हैं। अब इसमें जैसे आपके सामने है इस्लामिक प्राइवेट इक्विटी फंड, मैंने बताया इस्लामिक प्राइवेट इक्विटी फंड क्या है कि जो कि प्राइवेट कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, वो क्या कर रही हैं, अपने शेयर्स कह लें या इन्वेस्टमेंट कैपिटल रेज करने के लिए एक अपने जो है वो असेट्स को सिक्योरिटाइजेशन सेल आउट कर रही है और उसके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में। तो इसको हमने मैच करना है, इसका आंसर में कौन सा है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इनटू शरिया कंप्लायंट रियल एस्टेट, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो आंसर RIET का है। RIET यानी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है कहाँ पे, शरिया कंप्लायंट रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किया जा रहा होता है। इसके अलावा इस्लामिक कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फंड का जो पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, इनमें से जो है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इनटू शरिया कंप्लायंट लीजिंग असेट्स में, ठीक है, और लीजिंग असेट्स में किया जा रहा होता है। और इस्लामिक स्पेशलाइज फंड जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा होता है आपका कलेक्टिव इनटू इक्विटीज, इस्लामिक प्राइवेट इक्विटी फंड जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा होता है शरिया कंप्लायंट इक्विटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज में, यानी प्राइवेट कंपनीज की जो इक्विटीज है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। पहले का ये डी हो जाएगा, सेकंड का स्पेशलाइज फंड जो है वो आपका ये हो जाएगा, इसका सी का तो है, थ्री का जो है वो ए हो जाएगा, और फोर का ए हो जाएगा, और थ्री का जो है वो ये इस्लामिक इंडेक्स हो गया, ठीक है, और इसका टू का जो है इस्लामिक स्पेशलाइज फंड का जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इनटू शरिया कंप्लायंट लीजिंग असेट्स हो जाएगा। स्पेशलाइज फंड जो है वो लीज में किया जा रहा होता है, इस्लामिक प्राइवेट इक्विटी फंड जो है वो आपका जो है वो इसमें इक्विटी प्राइवेट इक्विटीज में किया जा रहा होता है, इस्लामिक ट्रेडेड जो है वो इस्लामिक इंडेक्स में किया जा रहा है, और RIT यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।
सुकुक की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सुकुक किसको कहते हैं? सुकुक ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिसका मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट यानी पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ऐसे टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ये है इस तरीके से कि जो उसका यूज ऑफ रेक्ट है या सर्विस है उसका जो ऑनरशिप है वो क्या है पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्पेशल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में वो इन्वेस्ट किया जा रहा है। हाउएवर दिस इज ट्रू आफ्टर रिसीप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सुकुक क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड रिसीव फॉर द पर्पज फॉर विच द सुकुक वर इशूड, यानी जिस पर्पज के लिए सुकुक इशू किए गए हैं उसी के पर्पज के लिए पैसा जो हम क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एंड अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के शरिया नंबर 17 के मुताबिक इस्लामिक फिक्स इंस्ट्रूमेंट क्या होती है जो हमने अभी पढ़ी, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप्स इन लीज एसेट्स आ जाता है, इन इजारा सुकूक यानी जो हमने पैसा जो है लगाया है वो इजारा सुकूक यानी इन मशीन्स वगैरह पे फिक्स एसेट्स पे हमने इन्वेस्ट किया पैसा। नंबर टू आ जाता है आपका सलम सर्टिफिकेट, सलम सर्टिफिकेट जिसमें हम अपना पैसा इशू कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ मोबिलाइजिंग सलम कैपिटल कैपिटल में और ताकि गुड्स टू बी डिलीवर ऑन द बेसिस ऑफ सलम कम टू बी ओन बाय द सर्टिफिकेट होल्डर्स, और इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस तस्ना सर्टिफिकेट में। तो जी दीज आर द सर्टिफिकेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू इशूड विद द एम ऑफ मोबिलाइजिंग फंड टू द एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी इसका जो पैसा है वो हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हमने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है उसके लिए हमें फंड चाहिए तो वो फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं या रेस कर रहे हैं इस तस्ना सर्टिफिकेट इशू करके, और उस पैसे से हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, उससे जो मुनाफा आ रहा है वो हम इस तस्ना सर्टिफिकेट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।